बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू परफॉर्म लैब नंबर 6 ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस कोर्स, व्हिच इज़ अबाउट सीरीज रेजोनेंस। सो बिफोर अंडरस्टैंड टॉकिंग अबाउट द सीरीज रेजोनेंस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सीरीज आरएलसी सॉकेट, द बिहेवियर ऑफ सीरीज आरएलसी सॉकेट। सीरीज आरएलसी सर्किट, एज द नेम सजेस्ट दैट इट हैज द सर्किट दैट इन्वॉल्व्स द कॉम्पोनेंट्स आर एल एंड सी एंड दे विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो लेट्स जस्ट सी द सर्किट। सो बेसिकली ये हमारे पास जो सर्किट है, ये हमारे पास सीरीज आरएलसी सर्किट कहलाता है। नाउ व्हाट्स सो डिफरेंट इन द सर्किट? अगर हम इस सर्किट को एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि सर्किट में जो तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं आर एल एंड सी, ये तीनों कॉम्पोनेंट्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं। हाउ, किस तरह से ये लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं? अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, यानी कि एक कैपेबिलिटी टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती, यानी किसी आउटर किसी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं कर रही होती। वो डिपेंड करती है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी ओन कैपेबिलिटी पर, इसकी अपनी ओन पैरामीटर्स पर, यानी कि आउटसाइड सर्किट में जो भी हो जाए, इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इसकी ही अपनी लेंथ पर, एरिया पर और रेजिस्टिविटी पर, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सर्किट पर जो मर्जी हो जाए, सप्लाई को मैं चेंज कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर will remain constant. But if I talk about the elements like inductor and capacitor, we know that they don't have resistance, they have the word reactance used for that ability to resist the flow of current through them. So is ko different naam kyun diya gaya reactance ka? Uski wajah ye thi ki hum iske jo ये कैपेबिलिटी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट टू इट, ये सिर्फ इनकी अपनी कैपेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है, प्लस आउटसाइड ऑफ द सर्किट की जो फ्रिक्वेंसी होती है उस पर भी डिपेंड करती है। यानी कि जो रिएक्टेंस हमारे पास एक्स होती है, यानी कि रेजिस्टेंस को हम आर से सिंबलाइज करते हैं और रिएक्टेंस को हम एक्स से करते हैं, तो जो हमारे पास रिएक्टेंस होती है एक्स, वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर, जो कि आउटसाइड ऑफ द सर्किट का पैरामीटर होता है, यानी कि सप्लाई की जो भी फ्रिक्वेंसी होगी उस लिहाज से इनकी जो रिएक्टेंस होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ डैट मीन्स व्हाट कि हमारे पास अब हमारा सर्किट में जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, जो भी हमारी सप्लाई को अगर हम चेंज करेंगे फ्रिक्वेंसी को, उसके लिहाज से हमारी रिएक्टेंस चेंज हो रही होगी। नाउ वी नो कि अगर हमारे पास अगर सर्किट की रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस या जो भी है इम्पिडेंस अगर चेंज हो रही हो विद टाइम और विद सम पैरामीटर्स ऑफ आउटसाइड सर्किट, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी करंट कंज्यूमिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस होल सर्किट है वो भी चेंज होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी रिएक्टेंस जो होगी वो कम होगी, तो हमें पता है कि इसकी जो करंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ड्रॉ करेगा। अगर रिएक्टेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कंप्लीट ओवरऑल इम्पिडेंस अगर वो ज़्यादा होगी तो ये करंट को कम ड्रॉ करेगा। अगर इम्पिडेंस ज़्यादा हो, अगर इम्पिडेंस कम होती है तो करंट को वो ज़्यादा ड्रॉ करता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इट हैज़। नाउ वी नो दैट द इम्पिडेंस डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, दैट इज आर एंड एक्सएल, जे एक्सएल और आर प्लस माइनस जे एक्स, एंड दैट एक्स कैन बी द नेट अफेक्ट ऑफ XL minus XC or XC minus XL. So this thing depend upon the since the impedance depend upon the resistance as well as the reactance, and we know that this reactance depend upon the frequency of the supply. So for that purpose what we do is that हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपने पूरे सर्किट का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं, यानी कि हम लोग देखते हैं कि किन किन फ्रिक्वेंसी लेवल्स पर हमारा सर्किट जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, यानी हमारे सर्किट के वोल्टेजेस एंड करंट्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं ऑन द ओवरऑल फ्रिक्वेंसी बैंड। यानी कि हम कोई भी एक फ्रिक्वेंसी बैंड सेलेक्ट करते हैं, वेरी बिग बैंड हम लोग, यानी कि फ्रॉम ज़ीरो हर्ट्ज से लेकर बहुत ज़्यादा बड़े फ्रिक्वेंसी बैंड तक देखते हैं कि हमारे इस सर्किट का रिस्पॉन्स जो है वो कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है कि हम लोग सर्किट के रिस्पॉन्स के लिए अपने एलटी स्पाइस में एक फीचर यूज़ करते हैं, वो है एसी एनालिसिस, जिस पे हमारे पास कोई भी पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी हमारे पास अपीयर होता है। तो लेट्स जस्ट डू इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर द सीरीज रेजोनेंस ऑफ कोर्स।
हम लोग जो है वो सबसे पहले प्री लैब करेंगे. प्री लैब में हम लोग फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे अपने इस RLC सर्किट का, यानी एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी पर हमारा जो सर्किट है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि सर्किट के पैरामीटर्स लाइक वोल्टेजेस एंड करंट्स एट्सेट्रा किस तरह से जो है वो बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले दे आर आस्किंग अबाउट द कैलकुलेट द थियोरेटिकल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट इन फिगर 6.4. ओके, सो बेसिकली फॉर फॉर दैट आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फर्स्ट एंड देन आई विल गो फर्दर. सो व्हाट इज दिस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें हमारे पास जो XL और XC ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं. अब ये कैंसिल आउट कैसे करते हैं? ये कैंसिल आउट ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है यानी कि XL, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में वो एक्ट करे, अगर उसको हम देखें तो वो +90 डिग्रीज पर एक्ट करती है. अगर प्योरली वो जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो वो +90 डिग्री उसका फेज एंगल होता है. और अगर हम रिएक्टेंस विद रिएक्टेंस बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ कैपेसिटर की बात करें, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें XC विच इज, तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक्ट करती है. यानी कि इफ आई से डैट इफ आई से डैट दिस XL एक्ट्स हियर, दिस इज XL, इफ दिस इज XL देन दिस इज विच इज इन ऑन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन दिस XC विल एक्ट ओवर हियर. यानी कि XL और XC जो होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करते हैं. यानी कि अगर हम एक इनका एक एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करें, इनके मैग्नीट्यूड्स का एक एल्जेब्रिक सम लें, तो हमें पता चलता है कि हम एल्जेब्रिक सम में ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को माइनस कर रही होती है. यानी कि डिपेंड्स अपॉन द किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसका अफेक्ट जो है वो डोमिनेंट हो जाता है. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल XL का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स द अफेक्ट ऑफ द इंडक्टर विल बी डोमिनेंट इन द सर्किट. तो हमारे पास जो नेट X आता है, हमारे पास जो नेट आता है X, दैट इज द नेट रिएक्टेंस ऑफ द होल सर्किट विल बी बिकॉज ऑफ XL, दैट इज दिस XL माइनस XC. इफ द वैल्यू ऑफ XL विल बी ग्रेटर, तो हमारे पास जो अफेक्ट होगा, नेट अफेक्ट होगा, वो इंडक्टिव अफेक्ट होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से होगा. और अगर XC ज्यादा होगा तो X नेट जो होगा वो XC माइनस XL हो जाएगा. तो नेट X जो होगा वो कैपेसिटिव बिहेवियर की वजह से आएगा, यानी कि जो हमारे पास पूरे सर्किट में जो बिहेवियर होगा वो कैपेसिटर की वजह से आएगा. तो इस तरह से हम लोग जो है वो एक इनका बिहेवियर काउंट करते हैं कि हमारे पास बेसिकली तीन केसेस बन जाते हैं. एक कुछ फ्रिक्वेंसीज पर हमारे पास कैपेसिटिव बिहेवियर प्रोमिनेंट होगा, किस कुछ फ्रिक्वेंसीज पर हमारे पास इंडक्टिव बिहेवियर प्रोमिनेंट होगा. यानी कि द केस वन, इफ आई टॉक अबाउट केस वन, वेन XL इज ग्रेटर देन XC. मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ. सो दैट इट विल बी क्लियर. सो दिस इज केस वन, वेन XL इज ग्रेटर देन XC. देन वॉट हैपन्स वेन XL इज ग्रेटर देन XC? तो हमारे पास जो X नेट आता है, सॉरी, तो हमारे पास जो X नेट आता है विच इज इक्वल्स टू XL माइनस XC एंड केस टू. ओके, इफ आई थिंक आई शुड राइट इट ओवर हियर. सो वी हैव केस वन इन विच XL इज ग्रेटर देन XL इज ग्रेटर देन XC. इन दिस केस
द एक्स नेट विल बी इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी, दैट मीन्स द बिहेवियर विल बी इंडक्टिव. ठीक है, हमारे पास केस टू है जिसमें हमारे पास एक्स, इन केस टू वी हैव एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, एंड इन दिस केस एक्स नेट इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल, एंड द बिहेवियर ऑफ द होल सर्किट विल बी कैपेसिटिव. ठीक है, और एक थर्ड केस बड़ा इम्पोर्टेंट केस है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो है केस विच इज केस थ्री, इन विच एक्स सी बिकम इक्वल टू एक्स एल. अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है जिसमें हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये हमारे पास दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाती है. मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब ये है कि जब हम दोनों इनका नेट इफेक्ट निकालेंगे, यानी कि दोनों, क्योंकि हमें पता है कि इट्स अ फैक्ट दैट दे बोथ एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट वेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन वॉट हैपन्स, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के दो पैरामीटर्स को मैं जब नेगेटिव साइन के साथ करूँगी तो वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, अफेक्ट को, यानी कि जो हमारे पास एक्स नेट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा. अब यानी कि एक्स नेट ज़ीरो होने का मतलब ये है कि सर्किट में हमारे पास जो रिएक्टेंस वाला पार्ट है, रिएक्टेंस का जो अफेक्ट है वो ज़ीरो हो चुका है, यानी कि अब हमारा सर्किट जो है वो आर एल सी जो था हमारा सर्किट, उसमें एल और सी की वजह से जो रिएक्टेंस हमें मिल रही थी, यानी कि एक्स की वैल्यू जो हमें मिल रही थी वो अब ज़ीरो हो चुकी है, यानी कि अब हमारे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ जो जो कंपोनेंट एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर, यानी कि हमारा अब सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया है. एंड इन दिस केस सिंस द एक्स हैज़ बीन कैंसल्ड आउट, यानी कि जो हमारे पास इम्पिडेंस होती है वो जेड इज इक्वल टू आर प्लस और माइनस जे एक्स एल, तो यानी कि जो हमारे पास रिएक्टर्स वाला पार्ट जो है वो कैंसल आउट हो गया, हमारे पास इम्पिडेंस जो है सोनली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास इम्पिडेंस जो होगी अब वो कम हो जाएगी. अब हमारे पास जो करंट जो ड्रॉ करेगा इस केस में, इस पार्ट में, इस केस में जो हमारा करंट इस ड्रॉ करेगा इस सिनेरियो में, वो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा, यानी कि यहाँ पास अब क्योंकि रिएक्टिव पार्ट जो है वो अब कैंसिल ख़त्म हो चुका है और सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट बचा है, तो दैट मीन्स इन दिस सिनेरियो हमारा जो जो करंट ड्रॉ होगा बाय दिस रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम करंट इस केस में ड्रॉ होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो चुकी है और करंट जो होगा वो ज़्यादा ड्रॉ होगा, ज़्यादा बिल्कुल ड्रॉ होगा, मैक्सिमम करंट विल बी ड्रॉन इन दिस सिनेरियो. नाउ वी विल ऑब्जर्व दिस थिंग एंड द फ्रिक्वेंसी एंड द फ्रिक्वेंसी लेवल एट विच दिस सिनेरियो अकर्स, एंड दैट मीन्स कि वो फ्रिक्वेंसी जिस पर हमारा एक्स सी और एक्स एल बराबर हो जाए, उस फ्रिक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं. ठीक है, यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी पर at which this happens is called resonant frequency. So this frequency, resonant frequency, why is it so important? Why we do talk about this resonant frequency frequently? Why? Because at this frequency level, the current drawn by the circuit विल बी मैक्सिमम, यानी कि हमारे पास जो ड्रॉ करंट जो ड्रॉ करेगा ये कॉम्पोनेंट्स, ये मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि लॉसेज हमारे पास जो कि इस रिएक्टेंस की वजह से हो रहे थे वो लॉसेज अब बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे और मैक्सिमम करंट विल बी ड्रॉन एट दिस पॉइंट. सो नाउ वी विल सी दिस बिहेवियर डैट ऑन एल टी स्पाइस, यानी कि अब हम एल टी स्पाइस पर ये अपना बिहेवियर जो है वो एनालाइज करेंगे. अच्छा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने का, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है, वो ये है. इस फॉर्मूला को आप इजीली डिराइव भी कर सकते हैं बाय पुटिंग एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, यानी कि हम एक्सएल को एक्ससी के इक्वेट जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास ईजीली ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, और एक्सएल की वैल्यू हमें पता है 2πfL होती है, एक्ससी की वैल्यू हमारे पास 1/2πfC होती है. जब हम दोनों को एक इक्वेशन में दोनों को एक साथ आमने सामने रखेंगे देन वी विल बी इजीली एबल टू गेट
this equation, that is FR, that is the direct resonant frequency, is equals to 1 upon 2 pi under root ln C. So this is how you will calculate the theoretical value of the resonant frequency. So for that you must take the value, some values for L and C and R. So for this what you can do is that हाँ अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें fill करना है तो हम जो है वो resistor की value 100 ले लेते हैं, ठीक है, और capacitor और inductance की value जो है वो हम लोग अपने roll number के लिहाज से आप लोग लेंगे. For example अगर किसी का roll number जो है वो 6 digits है ना, like 18. For example, if there's someone's roll number is 181035, so the value of inductor will become 181 millihenry, and the value of capacitance will become 035 microfarad. ठीक है, microfarad. So this is how you will take the values for the RLC. R की value 100 लेंगे, 100 ohms. C की वैल्यू आपका जो भी रोल नंबर होगा उसके लास्ट थ्री डिजिट्स विद माइक्रो, एंड L की वैल्यू आपके रोल नंबर के फर्स्ट थ्री डिजिट्स विद मिली हेनरी. ठीक है, इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करेंगे एफ आर की वैल्यू, विच विल बी द थियोरेटिकल वैल्यू, जो हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग दिस कैलकुलेटर. सो अच्छा, अब ये फॉर्मूला यूज करते हुए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है एफ आर इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू पाई एल सी, ये फॉर्मूला यूज करते हुए विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ आर. सो अच्छा, इसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग इसको मेजर करके देखेंगे, मेजर करके हमारी क्या वैल्यू आती है, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा एक सरप्राइज हो कि हमारी वैल्यू क्या आती है, फिर उसको कंपेयर करेंगे विद द कैलकुलेटेड वन. ठीक है, क्योंकि अगर पहले से हमें पता होती है कैलकुलेटेड वन तो मेजर वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा ईजी हो जाता है. तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग खुद से बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट करें. सो इट्स अ गुड थिंग दैट वी डू इट द मेजर्ड वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो हमारे पास ये अब सर्किट आ गया है आर एल सी का जो ऑलरेडी बना हुआ है, इस पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. आर की वैल्यू 100 ली थी, एल की वैल्यू हम लोगों ने 181 मिली हेनरी ली थी, मिली, एंड सी की वैल्यू हम लोगों ने 035 माइक्रो ली थी. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल टेक. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स. सिंस इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू डू द एसी एनालिसिस व्हिच विल टेल अस द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि एसी एनालिसिस इज द एनालिसिस जो कि हमें बताता है कि फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल्स पर हमारा जो भी सर्किट का जो भी पैरामीटर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास. यानी कि अगर हमें एनी पैरामीटर वर्सेज द वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर वर्सेज फ्रीक्वेंसी अगर हमें चेक करना है, सो वी विल डू द एसी एनालिसिस. एसी एनालिसिस के हम लिए हम लोग को सिर्फ एम्पलीट्यूड पुट करना है और उसका फेज जो भी है पुट करना है, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये खुद से जो भी फ्रिक्वेंसी हम लोग बताएंगे कि इस फ्रिक्वेंसी पर हमें बताएं इसकी रिजल्ट, तो ये हमें बता देगा. सो दैट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम पीरियड, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑफ द शेप. ठीक है, यानी कि हमें कोई शेप वगैरह कुछ नहीं पता पूछता, हमें सिर्फ ये चीज़ पूछता है कि किस फ्रिक्वेंसी पर आपने ये वैल्यू देखनी है. ठीक है, तो एसी एम्पलीट्यूड आप अपने मर्जी से कुछ भी ले लें, 1 ले लें, ठीक है, और एंगल 0 ले लें, मर्जी है, कुछ और लेना चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं. ठीक है, सो विल डू दिस. सो आफ्टर दिस विल गो टू द सिमुलेशन, एडिट सिमुलेशन कमांड. विद दिस, सिंस वी आर नॉट डूइंग द ट्रांजिट एनालिसिस, ट्रांजिट एनालिसिस हमें बताता है एनी पैरामीटर, वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से जो भी उस पैरामीटर की वैल्यू होगी हमें वो बताता है. लेकिन हम अब इस वक्त वो नहीं कर रहे, हम एसी एनालिसिस करेंगे जिसमें हमें एनी पैरामीटर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी हमें पता करनी है. सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर दिस. दिस इज द टाइम ऑफ अ टाइप ऑफ स्वीप लिस्ट, में हमें वो एक लिस्ट पूछ लेगा कि किस किस फ्रिक्वेंसी लेवल पर आपने वैल्यूज चेक करनी है. सो वी डोंट वॉन्ट टू डू दिस इन द लिस्ट फॉर्म, क्योंकि लिस्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास ये सिर्फ तीन ऑप्शन देता है, यानी कि हम सिर्फ तीन फ्रिक्वेंसी लेवल्स पर अपने पैरामीटर्स की वैल्यू चेक कर सकते हैं, विच वी डोंट वॉन्ट. हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग एक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज पर अब उसका बिहेवियर देखें, यानी कि कंटिन्यूस बिहेवियर चेक करें विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वैल्यूज. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग विल गो फॉर दीज ऑप्शन, दीज आर ऑक्टेव डिकेड लीनियर. सो वॉट आर दीज फॉर, ये हमारे पास होते क्या है, ये हमारे पास एक सैम्पलिंग सैम्पल टाइम पूछते हैं कि हमारे पास ये जो हम सैम्पल्स लें वो कितने स्टेप्स के बाद लें, ऑक्टेव के बाद लें. ऑक्टेव मीन्स अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो 1 है, तो यानी कि ऑक्टेव मीन्स कि 8 पॉइंट्स के बाद ये दूसरा सैम्पल लेगा.
ठीक है, अगर 8 पॉइंट का दूसरा सैंपल लेगा, फिर नेक्स्ट 8 पॉइंट के बाद दूसरा थर्ड सैंपल लेगा. इफ़ यू हैव डिकेड देन दैट मीन्स फर्स्ट सैंपल ये 8 पॉइंट पर लेगा, फिर 10 पॉइंट्स के बाद ये दूसरा सैंपल लेगा. एंड इफ़ यू हैव लीनियर दैट मीन्स ये वन फर्स्ट सैंपल, टू सेकेंड सैम्पल, थ्री सेकेंड सैम्पल, इस तरह से लीनियरली चलेगा. फॉर द बेटर रिस्पॉन्स यू विल गो फॉर दिस ऑक्टेव ऑप्शन. सो इट्स आस्किंग अबाउट द फर्स्ट स्टार्ट फ्रिक्वेंसी. स्टार्ट फ्रिक्वेंसी हम लोग 1 हर्ट्स रखते हैं, 0 ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो दैट्स वाई आई विल टेक 1. स्टॉप फ्रिक्वेंसी हम लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा लेंगे, यानी कि 100, लेट्स से 100 के हर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर एक बड़े बैंड के ऊपर हमें फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका पता चले, यानी कि स्टार्ट से लेकर बहुत एंड तक इसका जो भी फ्रिक्वेंसीज रिस्पॉन्स है. नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ऑक्टेव, यानी कि पर ऑक्टेव पे कितने पॉइंट्स थे, तो वो हम आप मतलब एक 8 पॉइंट्स पे कितने सैम्पल्स ले, तो वो हम बता देते हैं इसको, कि यानी कि फ्रिक्वेंसीज जो है वो 100 ले ले, ठीक है, ताकि ज़्यादा सैम्पल्स आ जाएं. ओके नाउ सो विल गो फॉर दिस. आफ्टर दिस विल गो फॉर दिस रन. अभी हमारे पास ओके, अब हमारे पास ये रिस्पॉन्स बताएगा हमें क्या क्या देखना है, हम ये देख लेते हैं. ड्रॉ सर्किट ऑन LT-Spice, वी हैव डन इट. सेट द सिमुलेशन कमांड एज शोन, वी हैव ऑलरेडी डन इट. अच्छा, ये जो सिमुलेशन कमांड है ये है मेंशनड है, इसके अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हैं, या फिर अपने जो भी आपने पैरामीटर्स लिए हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के, उसके लिहाज से आप देखेंगे कि पूरा एक हावस बैंड कंप्लीट आ जाए, तो फिर उसके लिहाज से इसकी सेटिंग कर लीजिएगा. अदरवाइज इफ़ यू आर कंफर्टेबल और इफ़ योर सर्किट बिहेवियर शोज कम्प्लीटली ऑन दिस दिस टाइम, देन यू कैन चूज दिस. अगर इस टाइम पे सही नहीं बता रहा तो अपनी उसको एडजस्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर ओन फ्रिक्वेंसी बिहेवियर, ठीक है, जैसे मैंने सेट किया है, ठीक है. तो अब इसको हम रन करते हैं. ओके, फॉर दैट व्हाट डू वी नीड टू से, सी व्यू VRPP, यानी कि हमें वोल्टेज एट रेजिस्टेंस देखनी है विद रिस्पेक्ट टू वर्सेस फ्रिक्वेंसी देखनी है. तो फिर हम लोग यानी कि हमें वोल्टेज फॉर रेजिस्टर चाहिए. रेजिस्टर का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टर का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अपने कर्सर को इस तरह, प्रोब को इस तरह सेट करेंगे कि हमारी जो नेगेटिव साइड ऑफ द प्रोब है वो यहाँ पर आए और पॉजिटिव साइड ऑफ द प्रोब यहाँ, यानी कि ब्लैक लीड यहाँ आए और रेड लीड यहाँ पर आए, ठीक है. तो ब्लैक लीड यहाँ लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी प्रोब रख कर राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद मार्क एज रेफरेंस, तो हमारे पास ब्लैक प्रोब यहाँ आ गई और रेड प्रोब यहाँ. अब ये हमें जो वोल्टेज देगा वो वोल्टेज विद अक्रॉस दिस रजिस्टर देगा, तो ठीक है, हम यहाँ क्लिक करते हैं. अच्छा, अब हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कंप्लीट बिहेवियर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि पहले फ्रिक्वेंसी, पहले ये बैंड जो था वो सम मिनिमम लेवल पर था, और फिर जो है वो ये राइज किया है, और ये हमारे पास राइज करने के बाद ये दोबारा कम हो गया है, ठीक है. अभी हमें पता, ये दो हमारे पास वेव्स आ गई, दो ही हमारे पास क्या बता रही हैं, ये जो एक वेव फॉर्म हमारे पास जो आ रही है, जो कि एक सॉलिड लाइन है हमारे पास, ये सॉलिड लाइन हमें बताती है द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पैरामीटर, यानी कि हमने जो भी पैरामीटर लिया है इस वक्त, हमें वोल्टेज लिया है अक्रॉस रेजिस्टर, तो ये उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बता रही है, ठीक है. और ये जो हमें बता रहा है, ये हमें एंगल बता रहा है, यानी कि उसी वोल्टेज का फेज एंगल, ठीक है, कि फेज एंगल कितना है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेवल्स पर. तो आप देख सकते हैं कि फेज एंगल डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेवल पर चेंज हो रहा है, और ये फेज एंगल जो है वो आप इस राइट हैंड साइड वाले स्केल से मेजर करेंगे, और ये जो मैग्नीट्यूड है वो आप इस लेफ्ट साइड वाले स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें वी आर नॉट प्लेइंग विद द फेज एंगल. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इस फेज एंगल वाले स्केल को हम लोग डिलीट कर देंगे, यानी कि फेज एंगल जो हमें बता रहा है वो अभी हमें नहीं चाहिए, बिकॉज अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को एनालाइज करेंगे कि हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज चेंजिंग विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेवल्स. तो हम लोग क्या करेंगे, इस फेज एंगल को अभी डिलीट कर देंगे फॉर अ टाइम बींग, इसको हम डिलीट कर देंगे, बिकॉज अभी हमें ये नहीं चाहिए. बाद में वी विल ऑफ कोर्स मतलब इसको हम दोबारा लेकर आ जाएंगे, ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कि थीटा कितना है. तो इसको डिलीट करने का तरीका क्या है, कि यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे, ठीक है, राइट क्लिक ओवर हेयर एंड देन डोंट प्लॉट फेस, ठीक है, इसको हम लोग डोंट प्लॉट फेस कर देंगे, यानी कि इसको अभी प्लॉट ना करें, ठीक है. तो वो इसको अभी प्लॉट नहीं कर रहा, इसको जब प्लॉट नहीं कर रहा, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस VR जो है, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है,
उसका हमारे पास जो है वो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास वी आर है, ठीक है, और हमारे पास ये डीबी इसमें शो हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम इसका अगर मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास डेसिबल्स में शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम डेसिबल्स हमें ऑब्जर्व करना नहीं आ रहा तो हम लोग इसको सिंपल लीनियर में भी कर सकते हैं, तो वी विल गो टू द लीनियर पार्ट ताकि हमें इजीली समझ में आए कि है क्या, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डेसिबल्स। अब हम इसको गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसी लेवल, लाइक फ्रिक्वेंसी जब 1 हर्ट्ज़ थी, 10 हर्ट्ज़ थी, तो हमारे पास ये जो वी आर है ये बहुत कम है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर्स जो है वो बहुत कम है। यानी कि क्या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कम होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो, यानी कि इस वोल्ट रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास ओवरऑल इम्पिडेंस है, वो इस तरह से डिवाइड हो रही है कि हमारे पास इस जगह की जो इम्पिडेंस बन रही है वो बहुत कम बन रही है, यानी एज़ कम्पेयर टू आई एम यूजिंग द वर्ड एज़ कम्पेयर टू, यानी कि क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इसकी सेम रहेगी, यानी कि चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल सेम है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रही, वेदर जो भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी लेवल जो है होता रहे, हमारे रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर हम कंपेरेटिवली देखें, क्योंकि हमारे पास जो करंट ड्रॉ किया जाता है या वोल्टेज अक्रॉस जो पूरा हमारे पास सप्लाई से आता है वो डिवाइड होता है इस पे, इस पे, इस पे, और वो डिवाइड किस तरह से होता है पता है कि डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, ठीक है। या अगर जिसकी रेजिस्टेंस जिस कॉम्पोनेंट की ज़्यादा होती है उस कॉम्पोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज जो होता है वो ज़्यादा ड्रॉप होता है, और जिस कॉम्पोनेंट की रेजिस्टेंस कम होती है उस कॉम्पोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा कम होता है, ठीक है। तो अब हम, चूँकि रेजिस्टेंस तो हमारे पास फिक्स्ड है, रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रही, लेकिन हम देख रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टर जो है वो चेंज हो रहा है। अब वो क्यों चेंज हो रहा है वो हम देखते हैं। वो इसलिए चेंज हो रहा है कि हमारे पास जो पूरे ओवरऑल सर्किट की इम्पिडेंस है वो चेंज हो रही है। वो चेंज कैसे हो रही है कि हमारे पास इस पॉइंट पर जब हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत कम है, फ्रिक्वेंसी जो है वो 1 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज है, बहुत कम फ्रिक्वेंसी है, जब फ्रिक्वेंसी कम होती है तो अगर हम एक्स को देखें, क्योंकि एक्स जो है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है, एक्स क्योंकि फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो हमारे पास जब फ्रिक्वेंसी कम होती है तो हमारे पास जो एक्स एल होता है वो भी कम होता है, ठीक है, क्योंकि एक्स एल और एफ का जो जो हमारे पास रिलेशन है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और एफ का, यानी कि फ्रिक्वेंसी का जो हमारे पास रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या, अगर फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होगी तो एक्स एल कम हो जाएगा, और अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्स ई जो है वो जो एक्स अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्स एल भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द रिलेशन ऑफ एक्स ई एंड द विथ फ्रिक्वेंसी, यानी कि अगर हम एक्स ई और एफ की बात करें, फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो हमारे पास इनका जो रिलेशनशिप आता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप आता है। यानी कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को कम करते हैं तो हमारे पास एक्स सी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी, और अगर हम फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगी वो, अगर ज़्यादा करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत कम है, तो डैट मीन्स वॉट कि किसका जो अफेक्ट है वो ज़्यादा डोमिनेंट हुआ, एक्स सी का, यानी कि हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो हमारे पास अफेक्ट है वो डोमिनेंट हो गया, यानी कि एक्स सी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि इसकी रिएक्टेंस जो है वो बहुत बढ़ गई है। एज कब अब इसकी रिएक्टेंस तो फिक्स थी 100, इसकी रिएक्टेंस एट दिस सम पॉइंट बहुत बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ गई कि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आ गया है और इसके अक्रॉस बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप आया, तो डैट मीन्स कि ये जो वोल्टेज है ये बहुत कम हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी कम बढ़ती जा रही है, जाहिर है हमारे पास एक्सी जो है वो भी कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है एक्सी कम होता जा रहा है, तो ये जो वो वी आर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक्सी कम हो गया, कम होता 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 एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास एक्सी बिल्कुल एक्स एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्स सी जो है वो कम अभी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एक्स एल जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो ही होगा, ठीक है। लेकिन कम एक्स सी जो है वो कम होते 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 इस
पार्ट पर आ जाएगा, एक्स ई जीरो एक्स इस पार्ट पर आ जाएगा जब एक्स एल विल बी इक्वल टू एक्स ई। जब एक्स एल और एक्स ई दोनों बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और उस सर्किट में जो सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से बचेगी, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, सिर्फ सर्किट हमारा ये बचेगा, यानी कि जितना वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे वो सारा का सारा इसके अक्रॉस आ जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पर 1 वोल्ट दिया था तो वो 1 वोल्ट इस रेजिस्टर के अक्रॉस आ गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट आया जहाँ पर ये वी आर जो है वो 1 हो गया, यानी कि मैक्सिमम चला गया। ठीक है, वी आर 1 हो गया, अब सारा का सारा करंट यहीं पर ड्रॉ होगा। ठीक है, सारा का सारा करंट जो है वो इसके अक्रॉस ड्रॉ होगा और जितना करंट सर्किट को रिक्वायर्ड होगा वो यहीं पर होगा और वोल्टेज जो है वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम, मतलब वोल्टेज जो होगा वो सारा का सारा जितना भी बैटरी दे रही होगी वोल्टेज वो सारा का सारा इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि आधा आधा यहाँ डिवाइड नहीं होगा वोल्टेज, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया, ये इन दोनों के इफेक्ट्स जो है वो नलीफाई हो गए। अब हमारे पास सारा का सारा बैटरी वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस दिस रजिस्टर, सो वट एवर विल बी द बैटरी वोल्टेज विल बी द रजिस्टर वोल्टेज एट दिस पॉइंट। सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द फ्रिक्वेंसी एट दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस पॉइंट पर जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी। तो हम कर्सर को यूज़ करते हैं वो फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द कर्सर, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद हम लोग कर्सर लेंगे। ठीक है, अपने कर्सर को हम लोग जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, कर्सर को जो है वो हम लोगों ने यहाँ पुट किया तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आई है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आई है दिस इज 999 मिली वोल्ट, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी आई है वो आई है 64.4। ठीक है, तो ये 64.4 इज आर मेजर्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। नाउ आई विल कंपेयर इट विद द कैलकुलेटेड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। कैलकुलेटेड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मेजर करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो हमारे पास ये था, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 πLC। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो L और C क्या है हमारे पास, 181 यानी कि 181 मिली यानी कि 0.181 मल्टीप्लाइड बाई 0.035 माइक्रो, सो इट विल बिकम 0.0035। ठीक है, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे। सही है, एंड वी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, वेयर इज पाई, पाई, सो एंड देन वी विल इन्वर्स इट and then we have this frequency that can come out to be 63.23, that is a calculated, that is 63.23 hertz. ठीक है, ये हमारे पास calculated frequency आ गई। ठीक है, now we can see that this calculated frequency that is 63.23 is almost very much similar to this frequency that is a measured one. ठीक है, obviously थोड़ा बहुत difference तो आता ही है because हम कर्सर की position इतनी accurately जो है वो प्लेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स वॉट कि हमारी जो मेजर्ड आई है वो कैलकुलेटेड के बिल्कुल बराबर आ गई है, यानी कि हम लोगों ने कैलकुलेट बिल्कुल सही की है और मेजर भी बिल्कुल सही की है। सो दिस फ्रिक्वेंसी इज द मेजर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जिस पे एक्स और एक्स एल और विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्स सी। नाउ कमिंग बैक अगेन टू द डेसिबल पार्ट, डेसिबल पार्ट में हम लोग दोबारा आते हैं। ठीक है, डेसिबल पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 0 dB बताता है कि मैक्सिमम पॉइंट बता रहा होता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो डाटा कर्स ऑन द 0 dB, डैट इज 1 1। अगर आप देखेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम को तो इट विल बिकम 1। ठीक है, 0 dB विल बिकम 1। सो इस तरह से ये डेसिबल पार्ट्स में अगर आप इसको लीनियर में देखना चाहें तो अगेन वी विल ऑब्जर्व इट इन लीनियर, डैट इज मच मोर ईजियर फॉर अस। ठीक है, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द लैब पार्ट, ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया है
ओके नाउ यू हैव टू डू दिस व्हाट व्यू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एट दिस करंट को हम देख लेंगे क्लासिकल डिस्प्ले रीड द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. करंट आप देख लीजिएगा ईजी है. फ्रॉम द ग्राफ वेयर एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी एंड वी आर और करंट इज मैक्सिमम, यानी कि वी आर भी मैक्सिमम हो जाएगा और करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा. करंट देखते हैं, करंट भी वाकई मैक्सिमम आता है या नहीं आता. करंट को जो है वो हम मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे करंट को, ठीक है. अच्छा, करंट की डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताई थी किसी में कि इट्स इंपॉर्टेंट टू सी द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि हमारे पास करंट जो है वो कॉम्पोनेंट से करंट की डायरेक्शन ग्राउंड की तरफ हो, ठीक है. कॉम्पोनेंट से ग्राउंड की तरफ हो, सप्लाई से ग्राउंड की तरफ ना हो. बिकॉज सप्लाई सप्लाई करते तो डायरेक्टली सप्लाई से डायरेक्शन जो है वो कॉम्पोनेंट्स पे जाने चाहिए, यानी कि ये ऑपोजिट है और ये हमारे पास सही डायरेक्शन है, ठीक है. अब क्योंकि करंट हमारा जो है वो बहुत कम है या बहुत छोटा है, तो डैट्स वाई जो है ये बिल्कुल ही हमारे पास छुप गया है. तो पहले हम करंट का कलर चेंज करेंगे सो डैट इट माइट बी विजिबल. आई विल टेक पिंक सो डैट इट विल बी प्रोमिनेंट. ओके एंड नाउ मैं इसके ट्रेस को जो है वो डिलीट कर रही हूँ ताकि जो है वो मेरे पास करंट जो है वो सही आ जाए. ऑटो अरेंज वाई एक्सेस. अब देख सकते हैं करंट भी इसी पॉइंट पर जो है, सर्किट का जो करंट है वो भी इसी पॉइंट पर, यानी कि अगर हम कर्सर यूज़ करें तो वी केम टू नो डैट करंट भी हमारा इसी फ्रिक्वेंसी पर, हमारा करंट भी जो है वो सर्किट का करंट भी मैक्सिमम होता है, ठीक है. इसी पॉइंट पर मैक्सिमम करंट ड्रॉ किस पॉइंट पर करेगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर. दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारा करंट, ये जो बाकी जो करंट कम जा रहा है समथिंग हो रहा है, ये लॉसेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. ये लॉसेस में कन्वर्ट हो रहा है, जो मैक्सिमम करंट जो ड्रॉ कर रहा है या जितना यूटिलाइज कर रहा है वो इस पॉइंट पर हो रहा है. सो दिस इज दैट दैट्स व्हाई देयर इज इंपॉर्टेंट ऑफ फाइंडिंग आउट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एट व्हिच वी कैन हैव द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है. तो वी हैव फाउंड आउट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एज वेल एज द मैक्सिमम करंट पॉइंट. नाउ द पॉइंट नंबर 6 एफ आर सिमुलेटेड हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, विच केम आउट टू बी 64 पॉइंट समथिंग. ओके लेट मी चेक अगेन, 64.4 हर्ट्स, ठीक है. उसके बाद ऑल्सो नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फेज एट एफ आर, द फेज एक्सिस एट द राइट साइड ऑफ द ग्राफ. नाउ व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास जो थीटा आएगा वो क्या आना चाहिए सर्किट का. थीटा हमारे पास, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ, आई गेस मैंने लास्ट लाइव में पता नहीं किया या नहीं किया. सो थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा ऑफ सर्किट इज बेसिकली द फेज डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड द सप्लाई करंट. यानी कि हमारा जो थीटा होता है उसके फाइंड आउट करने के डिफरेंट बहुत सारे तरीके जो मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल वाइज जो थीटा है, दैट थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड द सप्लाई करंट. दिस इज द थीटा, ठीक है. तो हमारे पास जीरो थीटा, हम इसको जरा से लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए. सो दिस थीटा इज, सो बेसिकली दिस थीटा इज इक्वल टू सप्लाई वी एस फेज एंगल ऑफ सप्लाई वोल्टेज माइनस फेज एंगल ऑफ करंट, सप्लाई करंट, ठीक है. ये हमारे पास सर्किट का थीटा कहलाता है, यानी कि सर्किट का अगर कोई पूछे कि व्हाट्स द फेज डिफरेंस ऑफ द सर्किट, तो यू विल फाइंड आउट विद दिस फॉर्मूला फेज ऑफ एंगल ऑफ दिस होल कंप्लीट सर्किट. ऑफ कोर्स अगर कोई डिफरेंट कंपोनेंट का इंडिविजुअली पूछ रहा हो तो वो इंडिविजुअली आप उस कंपोनेंट का वोल्टेज माइनस उस कंपोनेंट के अक्रॉस थ्रू जो करंट जा रहा होगा उसका करंट करेंगे. लेकिन अगर पूरे सर्किट का पूछा जाए तो पूरे सर्किट का अगर आपको थीटा पूछा जाए तो यू विल फाइंड आउट विद दिस फॉर्मूला दैट इज द फेज एंगल, बट फेज एंगल ऑफ सप्लाई वोल्टेज माइनस द फेज एंगल ऑफ द सप्लाई करंट. ये पूरे सर्किट का थीटा हमें बताता है. तो अभी क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे सर्किट का थीटा हमें पूछा गया है एट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर सर्किट का थीटा जो है वो क्या होगा. सो व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए. तो इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाइज समझते हैं कि क्या होना चाहिए पहले, फिर इसको हम फाइंड आउट करेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए. तो क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट हेयर, क्योंकि हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर जो अफेक्ट ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर जो होता है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा जो सर्किट बचता है वो यही बचता है कि सप्लाई होगी और रेजिस्टर होगा. और रेजिस्टर में हमें पता है कि हमारे पास रेजिस्टर का जो वोल्टेज और करंट होता है
वो इन फेज होते हैं। इन फेज मतलब जो एंगल ऑफ फेज एंगल जो है वो रेजिस्टर के वोल्टेज का होगा, वही फेज एंगल हमारे पास रेजिस्टर के करंट का होगा, यानी कि दोनों के फेज एंगल्स जो होंगे वो बराबर होंगे, तो एनी एंगल माइनस एनी एंगल विल बिकम जीरो, यानी कि थीटा विल बिकम जीरो। अब क्योंकि हमारा सर्किट जो है वो पूरा का पूरा रेजिस्टिव सर्किट बन गया है एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, तो हमारे पास ये जो फेज एंगल होगा वो जीरो होगा एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। नाउ वी विल टेस्टिफाई दिस विद दिस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, हमारा थीटा जो है वो जीरो होना चाहिए एट दिस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। सो इफ आई सी, अगर अच्छा मुझे अभी दोबारा फेज एंगल चेक करने के लिए जो है वो इसको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे जो है वो फेज एंगल मेजर करना है एट दिस पॉइंट, सो इट्स वेरी इजी। अगर मैं यहाँ पे भी करूँ तो ये मुझे इस पॉइंट पर दिखा रहा है फेज एंगल, तो इस पॉइंट पर अगर आप अपने कर्सर को मूव करेंगे तो ये जो मेरा फेज एंगल जो होगा वो जीरो पर ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक तो आप इस तरह से ही मेजर कर देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस फ्रिक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड इतना है और फेज एंगल इज -1.53, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि हमारे फ्रिक्वेंसी भी थोड़ी सही से नहीं रखी। द मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इज 63, तो अगर हम इसको भी थोड़ा सा मूव करें, समथिंग लाइक दिस, तो हमारा जो जो फेज एंगल आया है वो -516 मिली डिग्री, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारा ये जो इस फेज एंगल जो है वो भी जीरो आ गया। अब इस ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो विल गो हियर, सही। तो ये हमारे पास सिमुलेटेड थीटा आ गया है, ठीक है। इज दिस वैल्यू फेज ऑफ फेस, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ कोर्स, ठीक है। सो नाउ विद दिस हमारे पास ये जो हमारी प्री लैब है वो कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो जो फ्रिक्वेंसी बिहेवियर है वो कैसा है, यानी कि हमें फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पता चला सर्किट का, कि हमारे पास किन किन फ्रिक्वेंसी लेवल्स का जो है वो हमारा सर्किट जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और मैक्सिमम हमारे पास पैरामीटर जो आएंगे, मैक्सिमम करंट ड्रॉन किस पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया इस फ्रिक्वेंसी पर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस पार्ट पे, यानी कि इस बैंड के लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास जो सर्किट एक्ट करेगा वो कैपेसिटिव एक्ट एज अ कैपेसिटिव सर्किट एक्ट करेगा, यानी कि उसका जो बिहेवियर होगा वो कैपेसिटिव आरसी बिहेवियर होगा। और अगर हम इस साइड पे जाएंगे बैंड के, यानी कि फ्रिक्वेंसीज मोर फॉर द फ्रिक्वेंसी मोर देन 63.63, आर सर्किट विल बिहेव एज एन रेजिस्टिव इंडक्टिव बिहेवियर, ठीक है, आरएल सर्किट आरएल बिहेवियर शो करेगा, और इस साइड पे देखेंगे तो वो आरसी बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं, इसको डिफरेंट दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं इन दर लैब टास्क। ये तो हमने फ्रिक्वेंसी बिहेवियर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा था, इन आर लैब टास्क हम लोग यही चीज़ जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पे चेक करेंगे, कि यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये किस तरह से जो है ये अपना ये वाला बिहेवियर जो है वो शो करता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ क्या है। ड्रॉन एल टी स्पाइज द सर्किट सेट द वी एस इज इक्वल टू 6V6, इसको हम लोग जो है वो 6 नहीं रखते, ये 1 ही रख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए करना, ठीक है। और ये पीक टू पीक की बजाय हम लोग पीक कर लेते हैं, ठीक है। सो विद द फ्रिक्वेंसी 10 kHz एंड द वैल्यूज ऑफ आर एल एंड सी सेम एज प्री लैब, नाउ वी शुड नो कि हमारे 10 kHz पर हमारा सर्किट जो है वो किस तरह से एक्ट करेगा, तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। इट शुड एक्ट एज एन आर एल सर्किट, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो 63 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो सर्किट जो है वो बिहेव करेगा एज अ आर एल सर्किट। हम लोग ये फ्रिक्वेंसी बिहेवियर में देख चुके हैं, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे इन आर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इसको कट करते हैं और जो है वो इस पर दोबारा आते हैं। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज कि हम लोग क्योंकि ट्रांजिएंट बिहेवियर देख रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग साइनोसॉइडल वेव फॉर्म देंगे, ठीक है। डीसी ऑफसेट 0, एम्पलीट्यूड 1, कुछ भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर,
क्योंकि हम लोग अभी जो है वो एम्पलीट्यूड नहीं देख रहे हैं. फ्रिक्वेंसी 10 के हर्ट्स में बोली हुई है, ठीक है. टाइम डिले 0 पॉइंट, ओके. एंड देन लीव द अदर्स, ओके. सो दिस इज हाउ इट हैज शोन. अब हम लोग सिमुलेशन कमांड में जाकर एडिट सिमुलेशन कमांड एंड देन वी आर गोइंग टू एनालाइज इट इन ट्रांजिएंट बिहेवियर. स्टॉप टाइम अपनी मर्जी से हम दे देते हैं 0.1 अभी के लिए, बाद में देखेंगे कि हमें जो है वो चेंज करना है नहीं करना अकॉर्डिंग टू आर रिस्पॉन्स. सो विल रन दिस सर्किट. अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना है, लेट से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वी एस, ठीक है. तो सो दिस इज लाइक वे टू मच. द अब हम सिमुलेशन कमांड में जाकर अपने टाइम को जो है वो थोड़ा सा कम कर, फ्रिक्वेंसी को जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है. फ्रिक्वेंसी कम करने का मतलब है कि टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है. लेट्स सी, ओके, ये तो और ज़्यादा बढ़ गई है. ओके, लेट्स जस्ट हैव इट. ओके, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, सो आई एम जस्ट नाउ फॉर दिस वीएस. ओके, सो दिस इज शोइंग मी वन साइकिल. मुझे थोड़े से टू थ्री और साइकिल्स देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं. सो आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट. स्टॉप टाइम जो है मैंने बढ़ा दिया. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज इट हैज़ शोन. ये हमारे पास जो है वो बी एस आ गया है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द सप्लाई, यानी कि कंप्लीट वोल्टेज. और हम अगर हम करंट को देखेंगे तो हमारे पास करंट, अच्छा अब हमें करंट किस तरह का मिलना चाहिए एट दिस फ्रिक्वेंसी. हमें करंट जो है वो किस तरह, बिकॉज ये आर एल सर्किट के तौर पर एक्ट कर रहा है. आर एल सर्किट में हमें पता है कि करंट जो है वो वोल्टेज के वोल्टेज से लैग करता है इन आर इंडक्टिव बिहेवियर. यानी कि अगर इंडक्टिव इंडक्टेंस होगी तो हमारे पास करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करेगा. तो इफ़ आई सी विद दिस करंट, सो ये हमारे पास ब्लू कलर का जो है करंट आ रहा है. इसको मैं चेंज कर देती हूँ कलर को ताकि प्रोमिनेंट हो जाए. सो नाउ दिस ग्रीन कलर इज दिस वोल्टेज एंड द पिंक कलर इज करंट, ठीक है. तो अब हमें पता कैसे करना है कि हमारे पास ये लैगिंग है या लीडिंग है, ये हम पता कर सकते हैं. कोई भी एक पॉइंट उठा लें, यहाँ से लेट से मिड पॉइंट यहाँ से मैं ले रही हूँ, ठीक है. तो इस पॉइंट पर अगर मैं चेक करूँ तो इस पॉइंट पर जहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट ऑफ द वेव फॉर्म को हम लेंगे, ठीक है. तो इस पॉइंट से वेव फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फ्रॉम द जीरो, लाइक जीरो इज ओवर हियर. इस पॉइंट से हमारी वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है, तो वोल्टेज की वेव फॉर्म जो है वो पहले आ रही है और उसके बाद जो है वो काफ़ी डिफरेंस के बाद हमारे पास करंट की वेव फॉर्म आ रही है. यानी कि करंट जो है वो बाद में स्टार्ट हो रहा है और वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रहा है. डैट मीन्स वॉट, कि हमारे पास करंट जो है वो लैग कर रहा है और वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है. दैट शोज दैट इट इज द आर एल रिस्पॉन्स. यानी कि हमारे पास जो सर्किट का जो बिहेवियर है वो इंडक्टिव बिहेवियर है, रेजिस्टिव इंडक्टिव बिहेवियर. और जो डोमिनेंट बिहेवियर है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द डोमिनेंट बिहेवियर इज ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है. इंडक्टर का बिहेवियर जो है वो डोमिनेंट है और कैपेसिटर का बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा सप्रेस हो गया, ठीक है. तो अब हम लोगों ने ये किया. उसके बाद व्हाट आर दे सेइंग, कैलकुलेट द इंडक्टिव एक्सएल. ओके, यू कैन मेजर द एक्स वी एस पीक टू पीक, वी एल पीक टू पीक, वी सी पीक टू पीक टू पीक एंड करंट, जो कि आप लोग खुद से कर सकते हैं. कैलकुलेट एक्स एल एंड एक्स सी एंड इंडिकेट इफ वी एस इज लीडिंग और लैगिंग द आई. जो हम लोगों ने ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि वी एस जो है वो लीड कर रहा है आई से, वी एस जो है वो आई से लीड कर रहा है. डैट मीन्स के ये हमारा जो सर्किट है वो इंडक्टिव है, जिसमें वोल्टेज लीड करता है करंट लैग करता है. तो वोल्टेज लीड कर रहा है तो दैट मीन्स इंडक्टिव है. तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हमारे पास इंडिकेट वी एस एस लीडिंग, यस इट इज लीडिंग, ठीक है. रिपीट द अबव फॉर द डिफरेंट टू शो टू कम्प्लीट द एस एस पॉइंट वन टेबल. सो आप लोग ये कर लेंगे डिफरेंट इसमें जो, क्योंकि हम लोग ऊपर वी एस को चेंज कर दिया 1 वोल्ट के लिए, तो आप यहाँ भी चेंज कर दीजिएगा अगर आप नहीं करना चाह रहे, ऊपर भी नहीं कर किया था तो यहाँ भी मत चेंज करें, ठीक है.
तो इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इट एट डैट एज डैट तो आप वैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो आप डिफरेंट उस पर काम करेंगे और यहाँ पर थीटा के साथ थीटा लिखने के बाद आप लोग मेंशन कर देंगे इज इट लीडिंग और लैगिंग, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इन सब पे ये लीड ही करेगा, थीटा जो है वो लीड करेगा, ठीक है। तो नाउ ओके सो व्हाट डू वी सी से दैट since this is say okay so now there is a different part so determine the resonant frequency. अब हमें resonant frequency find out करनी है इस transient response के थ्रू, यानी कि हम लोग time domain में रहकर हम लोग पता करेंगे कि resonant frequency पर जब resonant frequency occur कर जाती है तो हमारे पास ये जो transient response है वो किस तरह से होगा, ठीक है। यानी कि अभी तो हमारे पास ये voltage और current की जो waveform है इनके दरमियान कुछ ना कुछ phase angle phase difference आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ थीटा जो है वो आ रहा है। थीटा विल बी मेजर्ड लाइक दिस, फॉर एग्जांपल इसका थीटा एंगल माइनस इसका थीटा एंगल विल बी द थीटा। बट व्हेन द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी विल अकर वी नो दैट एक्सएल विल माइनस द बिहेवियर ऑफ द, यानी एक्सएल और एक्सी दोनों दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ रेजिस्टर बच जाएगा। और रेजिस्टर में हमें पता है कि वोल्टेज का फेज एंगल और करंट का फेज एंगल जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। डैट मीन्स वॉट कि हमारे पास जब दोनों फेज एंगल्स बराबर होंगे फेज डिफरेंस विल बी ज़ीरो। फेज डिफरेंस जब ज़ीरो होगा तो जहाँ पर फेज डिफरेंस ये ज़ीरो हो जाएगा तो यही वो करंट की वेव फॉर्म इसको ओवरलैप कर देगी, ठीक है। तो अब हम वो करके देखेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसको जो हमारा इसको क्लोज करके हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है इसको हम लोग जो हमारी फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी, 63.2 थी आई गेस, या फिर 63.4, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हम इसको सप्लाई वोल्टेज, दिस इज आवर सप्लाई वोल्टेज, अब हम इसको टाइम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और सॉरी लेट्स सी ओके थोड़ा सा कम हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, डेट इज 0.8 कर देते हैं। ओके ओके सो दिस इज व्हाट वी हैव द वोल्टेज अक्रॉस दिस सप्लाई। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेजर द करंट, ठीक है। करंट को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि देर इज स्टिल सम फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी कि हम लोगों ने जो सप्लाई जो फ्रिक्वेंसी ली है उसमें थोड़ा बहुत हमारे पास फ़र्क है, यानी कि हम फ्रिक्वेंसी को मज़ीद चेंज करना पड़ेगा। यानी कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी आई है जो मेजर फ्रिक्वेंसी थी स्पेशली विल गो फॉर द मेजर फ्रिक्वेंसी, वो क्या थी हमारे पास 64.4। हम लोगों ने यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी ली थी वो 63.4 ले ली है, यानी कि थोड़ा सा भी डिफरेंस है, डैट मीन्स 64.4 लेते हैं। अगेन रन करेंगे सप्लाई वोल्टेज एंड द करंट, नाउ यू कैन सी दैट दे आर एग्जैक्टली ओवरलैपिंग टू ईच अदर, ठीक है। हम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ये लोग, डैट मीन्स इनका फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो गया है और फेज एंगल दोनों के बराबर है, यानी कि जो फेज एंगल वोल्टेज का है वही फेज एंगल जो है वो करंट का है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक एक देखा कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर हमारे पास ट्रांजिएंट बिहेवियर किस तरह सा उससे होता किस तरह का होता है हमारे पास वोल्टेज और करंट का, और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स किस तरह से होता है, ठीक है। सो हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की इस एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। सो यू विल अगेन डू दिस सिमिलर टास्क। ये आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने डायग्राम के थ्रू मेंशन किया कि पहले आपका फेज डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ, एंड देन यू विल हैव एग्जैक्टली ओवरलैपिंग यू विल हैव एग्जैक्टली ओवरलैपिंग द
करेंट्स एंड वोल्टेज वेव फॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि इसमें आप लोग 10K माइनस करके भी देखेंगे और 10K प्लस करके भी देखेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर। तो अगर हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 10K प्लस और माइनस करके, यू विल सी द बिहेवियर कि 10K प्लस करेंगे तो ऑफकोर्स वो जो है वो हमारे पास इंडक्टर बिहेवियर शो करेगा, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और 10K माइनस करेंगे तो हमारे पास वो कैपेसिटर बिहेवियर शो करेगा, जो कि हम ऑलरेडी इसको भी हम देख चुके हैं। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द दिस थिंग्स दैट इज मेंशन इन द थ्योरी। सो इस थ्योरी में हमें जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो इस तरह से किया हुआ है कि इन्होंने एज्यूम किया हुआ है कि फेजर डायग्राम के थ्रू हमें मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सर्किट के बिहेवियर को, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सिर्फ इम्पिडेंस को देखें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स फर्स्ट ऑब्जर्व दिस। सो इफ यू सी द इम्पिडेंस, इट्स एन इम्पिडेंस ट्राइंगल ऑफ दिस RLC सर्किट। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो एक्ट करती है, एक्स एक्सिस पर हमारी रेजिस्टेंस है, और वाई एक्सिस पर हमारी दो चीज़ें एक्ट करती हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एज वेल एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है उसके साथ जो हमारा साइन आता है वो प्लस जे आता है, यानी कि वो जो होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगी वो प्लस 90 डिग्री पर होगी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ हमारा माइनस जे आता है। दैट मींस माइनस जे मींस माइनस 90 डिग्री। दैट मींस कि हमारी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो माइनस 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। तो हमारे जो पूरे कंप्लीट सर्किट की जो इम्पिडेंस होगी वो जेड इज इक्वल टू आर प्लस और माइनस जे एक्स एल। नाउ वट थिंग विल बी डिसाइडेड बाय, कि कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी कि आइदर प्लस जे एक्स एल प्लस जे एक्स होगा या माइनस जे एक्स होगा। तो वो चीज़ डिपेंड करेगी कि हमारे सर्किट का बिहेवियर किस तरह का है। आइदर इट इज़ बिहेविंग लाइक एन इंडक्टिव, आइदर इट इज़ शोइंग द इंडक्टिव रिस्पॉन्स, द इंडक्टिव रिस्पॉन्स इज डोमिनेंट, और द कैपेसिटिव रिस्पॉन्स इज डोमिनेंट। तो इस केस पर्टिकुलर केस में उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपने कि जो हमारा सर्किट जो एक्ट कर रहा है वो कैपेसिटिव सर्किट एक्ट कर रहा है, यानी कि जो कैपेसिटिव रिस्पॉन्स है या कैपेसिटिव बिहेवियर है वो डोमिनेंट है। जब कैपेसिटिव बिहेवियर डोमिनेंट होगा तो एक्स नेट जो होगा वो एक्स एक्स सी माइनस एक्स एल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा जो एक्स होगा वो माइनस 90 डिग्री पर आएगा, ठीक है। तो माइनस 90 डिग्री पर आएगा तो आर और माइनस 90 डिग्री, और जो इनका नेट इफेक्ट जो कि ये इम्पिडेंस जेड शो करेगी वो जॉइनिंग दीज टू लाइन्स दैट इज हेड टू टेल फॉर दिस नेट इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ये इम्पिडेंस ट्राइंगल जो है वो बन जाएगा इसका, ठीक है। और जो थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, थीटा हमारे पास नेगेटिव होगा। ऑफकोर्स इट इज़ वेरी मच सिमिलर कि हमें पता है कि अगर हमारा जो करंट होगा अगर वो लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा, जो कि इंडक्टिव में होता है, करंट लैग करता है वोल्टेज लीड करता है। डैट मीन्स कि हमारा अगर हम एंगल ऑफ VS माइनस एंगल ऑफ I लें, अब क्योंकि करंट जो है वो लैग कर रहा है तो ऑफकोर्स हमारे पास जो थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास करंट लीड कर रहा होगा, यानी कि जो कैपेसिटर में होता है, यानी कि करंट लीड करने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव पार्ट है ऑफ द फेज एंगल वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास जो थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर हम थीटा जो है वो एंगल आई माइनस एंगल वी करें तो उससे भी हम लोग इसी तरह से आ सकते हैं, उनमें बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगी। सो इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम लोग थीटा जो है वो एंगल ऑफ वी एस माइनस एंगल ऑफ आई ही करें, उसको हम लोग एंगल ऑफ आई माइनस एंगल ऑफ वी भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग रेफरेंस जो है वो किसको ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वो जिस किसी को भी रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, सही है। तो हमारे पास इस तरह से, लेकिन थीटा जो है वो नेगेटिव आता है इन केस ऑफ दिस कैपेसिटिव, एंड थीटा विल बिकम पॉजिटिव इन केस ऑफ इंडक्टिव। और अगर हमें ये हो कि अगर हमें ड्रॉ करना है, अगर हमें यहाँ पर इंडक्टिव ये एक्स एल जो है वो अगर ज़्यादा आ जाए, इफ एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, तो हमारा ये इम्पिडेंस ट्राइंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, यूं यूं, यानी कि सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, तो हमारे पास एक्सएल अगर एक्स सी ज़्यादा होगा तो हमारा ये ट्राइंगल इस तरह से बनेगा, और एक्स सी अगर ज़्यादा होगा तो हमारा ट्राइंगल इस तरह से बनेगा। सो दिस इज द इम्पिडेंस ट्राइंगल वी हैव, ठीक है।
आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव इज दिस इज द वोल्टेज ट्राइंगल. इस तरह से हम लोग वोल्टेज ट्राइंगल ही बना लेंगे. ऑफ कोर्स हमें पता है कि दिस इज वी आर एंड दिस इज वी नेट. ठीक है, दिस इज वी सी माइनस वी एल, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इम्पिडेंस के. ठीक है, तो हमारे पास जो इम्पिडेंस जिस तरह की आएगी वैसे ही हमारे पास वोल्टेज आएगा. तो हमारे पास ये वोल्टेज का ट्राइंगल बन गया. ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट हम लोग जाते हैं पावर ट्राइंगल. पावर ट्राइंगल विच विल बी वेरी मच सिमिलर टू द इम्पिडेंस ट्राइंगल, सिर्फ जो है वो आर की जगह हमारे पास ये आ जाएगा एक्टिव पावर, रेजिस्टिव पावर और द हमारे पास रियल पावर, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट नाम है इसके. एक्टिव पावर भी है, रियल पावर भी है और रेजिस्टिव पावर भी है, वट एवर द नेम यू कैन कॉल. और हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो रिएक्टिव पावर आ जाएगी. ठीक है, डैट इज़ अ पावर विद बिकॉज ऑफ द रिएक्टिव कॉम्पोनेंट्स एल और सी. ठीक है, और हमारे पास ये जो है वो हमारे पास अपेरेंट पावर या फिर कॉम्प्लेक्स पावर आ जाएगी. ठीक है, जो उनका नेट पावर होगी. एंड एस इज इक्वल्स टू पी प्लस और माइनस जे क्यू. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर ट्राइंगल. ठीक है, जिसमें पावर्स हैं सारी. ये हमारे पास इम्पिडेंस ट्राइंगल, ये हमारे पास वोल्टेज ट्राइंगल. इसी तरह से हम लोग करंट ट्राइंगल ही बना लेंगे. करंट ट्राइंगल जो है वो वोल्टेज ट्राइंगल से ऑपोजिट होगा. यानी कि अगर हमारे पास कैपेसिटिव बिहेवियर है तो करंट ट्राइंगल जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि इस तरह से होगा. और अगर हमारे पास जो है वो इंडक्टिव है तो हमारे पास करंट ट्राइंगल नीचे बनेगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने फेजर डायग्राम के थ्रू भी हम लोगों ने इसको एनालाइज कर लिया. तीन तरीके से हम लोगों ने इस लैब में एनालाइज किया है अपने इस सर्किट को, आरएलसी सर्किट को. एक हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा अपने सर्किट का, ठीक है, एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेवल्स. एक हम लोगों ने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देखा, यानी कि विद इन टाइम डोमेन देखा अपने सर्किट का भी रिस्पॉन्स. और एक हम लोगों ने फेजर यानी कि फेजर डायग्राम बनाकर हम लोगों ने उसका रिस्पॉन्स देखा. तो हम लोगों ने तीन तरीके से अपने इस आरएलसी सर्किट को देखा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर ये शो करेगा इन थ्री डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. सो दिस वॉज अबाउट टूडेज लैब इन विच वी वर इन आर इन विच वी डन अबाउट वी हैव टॉक्ड अबाउट सीरीज रेजोनेंस. यानी कि जब रेजोनेंस हमारे पास होती है तो रेजोनेंस यहाँ पर सीरीज की रेजोनेंस क्यों, बिकॉज द कॉम्पोनेंट्स आर एल एंड सी आर इन सीरीज. ठीक है, तो दैट्स वाई द नेम इज सीरीज रेजोनेंस. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट द रेजोनेंस इज दैट वी गेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एट दिस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. ठीक है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर हमारे पास मैक्सिमम करंट जो है वो ड्रॉ होता है. ठीक है, और हमारे पास जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है. ठीक है, इनका जो बिहेवियर होता है. So you will now will be able to answer the questions in the post lab, of course, after this tutorial. So I'll leave it over here. ठीक है, फिर आप लोग इस question questions के answer easily दे सकते हैं using the data from table 2, draw phasor diagram, impedance this and that. Phasor diagram भी मैंने ऊपर बता दी किस तरह से बनेंगी, आप लोग वो easily बना सकते हैं. Phasor diagram and impedance triangle. There is a difference between phasor diagram and the impedance triangle. Impedance triangle में हम लोग आप लोग सिर्फ और सिर्फ impedance triangle बनाएंगे, और phasor diagram में you will draw the voltages. ठीक है, voltages जितने भी circuit के होंगे and the current as well. ठीक है, वो आप लोग उस फेजर डायग्राम से बनाएंगे. ठीक है, फेजर डायग्राम में वोल्टेजेस को शो कीजिएगा और इम्पिडेंस ट्रायंगल में आप लोग इम्पिडेंसेस को शो कीजिएगा. ठीक है, चलें, इन द नेक्स्ट लैब वी विल टॉक अबाउट द पैरेलल रेजोनेंस. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.